हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रज्वल सिंह और आपका टॉप 10 क्लास में बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम IUPAC नामक लेक्चर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए बच्चों हम आपके टॉप 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों, जो आपको IUPAC नाम जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले यदि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लें बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, तो बच्चों क्या दिया है बच्चों, देखिए आप CH3 CH2 CH CH3 और CH3। तो जब भी बच्चों आपको IUPAC नाम लिखना हो तो उन्हें बता रखा है बच्चों क्या क्या लिखिए। सबसे पहले पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द सॉरी क्या हटा दिए भाई, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। तो बच्चों देखिए अब इसका IUPAC नाम लिखते समय हम किधर से चयन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें सबसे लंबी श्रृंखला चाहती है, तो ये क्या बच्चों सबसे लंबी श्रृंखला है। अब बच गया बच्चों आपका CH3, 1, 2, 3 और 4। हम उधर से चलते जिधर से आपका पूर्वलग्न नजदीक पड़े, 2 को क्या लिखें बच्चों, पूर्वलग्न टू मेथिल प्लस कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4 ब्यूट, एकल बंध एन। तो बच्चों आपसे जोड़िए तो क्या नाम लिखकर के आएगा, 2-methyl-butene। अब बच्चों यदि हम ले लें आपका प्रश्न उत्तर नंबर 2, तो ये क्या बच्चों आपका CH3 CH2 CH CL और CH3। बच्चों जब भी श्रृंखला का अंकन करना तो उधर से चलिए जिधर से आपका पूर्वलग्न नजदीक पड़े, तो बच्चों ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई आपकी। और अंकन करें 1, 2, 3 और 4, 2 में बच्चों क्लोरो है, 2 पे बच्चों आपका क्या है, क्लोरो है। तो आप इसको क्या कहेंगे, पूर्वलग्न का नाम 2-chloro प्लस कितने कार्बन बच्चों, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एकल है बंध है बच्चों क्या लिखेंगे, एन। तो मतलब क्या निकल क्या बच्चों, IUPAC नेम 2-chloro ब्यूटेन। अब बच्चों हम आपका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH2 COOH। तो बच्चों देखिए आपका कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, मतलब द्वितीयक अनुलग्न आ गया, और इसके लिए क्या लगाते हैं, ओएक एसिड लगाते हैं बच्चों। तो सबसे लंबी श्रृंखला तो यही है बच्चों, और जब भी ऐसे क्रियात्मक समूह जो कार्बन परमाणु रखते हों अगर वो श्रृंखला में आ जाए, अंकन वहीं से कीजिए 1, 2, 3 का प्रोप, एकल बंध के लिए बच्चों एन, COOH के लिए ओएक एसिड। तो क्या निकल क्या बच्चों, इसे आप ऐड करेंगे तो क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रश्न उत्तर नंबर 4, जिसे बच्चों इन्होंने दे रखा है CH3 COCH3।
अब बच्चे देखिए, एक दो तीन, तीन कार्बन नाम बच्चों क्या होता है, प्रोप, और एकल बंध है कार्बन कार्बन के भी, तो एन, और सीओ के लिए बच्चों क्या लगाइए, टू ओन, तो क्या निकल गया बच्चों, टू प्रोपेनोन, याद हो बच्चों आप लिख दीजिए प्रोपेनोन, तो दोनों पॉसिबल है बच्चों, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखिए। अब बच्चों प्रश्न उत्तर नंबर पांच, इसे बच्चों आपका क्या है, CH3 CH2 CH2OH, जब भी बच्चों OH समूह मिले तो उसको आप नीचे लगा दीजिए, तुरंत कीजिए नीचे, वन टू थ्री, थ्री का नाम बच्चों प्रोप, श्रृंखला तो एक ही है बच्चों, कार्बन की और कुछ बचा नहीं आपका, तो प्रोप प्लस एन प्लस वन आल, तो क्या होगा बच्चों, वन प्रोपेनॉल, याद है बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं आप, प्रोपेनॉल। अब आते हैं बच्चों हम आपका क्वेश्चन नंबर छह, ये क्या बच्चों, CH3 CH2 CH OH, और बच्चों CH3। अब जब भी बच्चों आपका क्रियात्मक समूह आ जाए उधर से चले जिधर से, ये क्या पड़े, नज़दीक पड़े, तो ये बच्चों श्रृंखला हो गई, वन टू थ्री फोर, ब्यूट प्लस एन प्लस टू आल, अब जोड़िए बच्चों क्या आएगा, टू ब्यूटेनॉल। और बच्चों यदि हम यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर सात, तो ये क्या बच्चों आपका CH3 CH2 CH2, तो इसे बच्चों कितने कार्बन है, देखिए वन टू थ्री, थ्री के लिए बच्चों प्रोप, और बच्चों प्राथमिक अनुलग्न क्या है, एन है बच्चों, तो एन कार्बन के बीच एकल बंध है ना, और सी एच ओ के लिए अल, तो जोड़िए वन अल बच्चों लगा लेते हैं हम यहाँ पे, तो जोड़िए क्या होगा, वन प्रोपेन अल, या तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन अल। अब आ जाइए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों एट लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर एट बच्चों उन्होंने दे रखा है CH3L1CH, तो इसका क्या नाम बच्चों, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन नाम एथ, और ट्रिपल बंध के लिए बच्चों आयन, तो क्या होगा, एथाइन। बच्चों आपको एक इम्पॉर्टेंट और बता देते हैं हम आपका, वो जैसे बच्चों हमने ले लिया CH2 डबल बंध CH CH3, एक दो तीन कार्बन बच्चों, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन, तीन कार्बन, और तीन कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, और बच्चों एकल बंध को क्या कर, इग्नोर, दूसरे में क्या है, तो ये अंकन नहीं करें, मुझे गलत अंकन है, वन टू थ्री करेंगे, तो पहले पे दो बंध है तो वन इन, तो क्या बच्चों निकलेगा, वन प्रोपीन। यदि बच्चों हम प्रश्न उत्तर नंबर दस करें, जैसे हमने लिखा आपका CH3 CH3 डबल बंध CH2, तो कितने बंध बच्चों, एक दो तीन चार पाँच हो जा रहे थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इसका नाम क्या होगा, वन टू थ्री, टू पे बच्चों मेथिल है,
तो 2-methyl, इसे तो इग्नोर करेंगे तो डबल बंद बच्चों, 1, 2, 3 प्रोप धन 1-ethyl जोड़िए, 2-methyl प्रोपीन। तो हेलो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।